सुमुखस्यैकदन्तस्य सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। क्या ये द्वादश नाम लिखा है जो पढ़ता है या सुनता? चलो आप पढ़ नहीं सकते तो इसको ये नोट कर लो, इतना आप आजकल डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड भी कर लो और ये 12 नाम रोज सुना करो। जब भी आपको कोई काम करने जाना है, फैक्ट्री लगाना है, व्यापार में घाटा ना हो, तो आपको बस एक काम कर लेना है, 12 नाम बोल लेना या सुन लेना है। सुमुखस्यैकदन्तस्य, हे प्रभु पहला नाम क्या है? सुमुख। हे गणेश आपके सम्मुख जो आ जाता है आप उसके सम्मुख खड़े होकर विघ्न हरते हो। एक दंत, उनका नाम एक दंत है। एक दांत टूटा है, अब वो कैसे टूटा फिर कभी सुनाएंगे। तो एक दंत है वो, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, एक दंत दयावंत, ये दयावंत है, बहुत दयालु। गणेश जी जैसे इस धरती में कोई दयालु नहीं है। भगवान गणेश से कहो, हे आदिदेव महादेव के वरदाई पुत्र, हे गणेश हम शिव आराधना कर रहे हैं पर आपकी आराधना, जब भी शिव मंदिर जाएं गणेश जी जरूर मिलेंगे। शिव मंदिर में, शिवालय में जब आप बिल पत्र लेकर जाते हैं तो कुछ दूर्वा भी लेकर जाओ, सिर्फ दूर्वा दुर्गा को नहीं चढ़ती है, बस मां दुर्गा को दूर्वा, बाकी चढ़ा सकती है, आराधना हो सकती है।